हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज काफ़ी ज़्यादा धूप है तो मैंने सन ग्लासेस लगा लिए हैं। पर ये सिर्फ एक चश्मा ही नहीं बल्कि आप इसके थ्रू कॉल्स को भी अटेंड कर सकते हैं या फिर आप ईयरफोन्स की तरह इसके थ्रू म्यूजिक को सुन सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सनग्लासेस कुछ इस तरह के बॉक्स में आते हैं। शिपिंग के टाइम इसका बॉक्स डैमेज हो गया था, पर सनग्लासेस अपने केस में आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके केस के अंदर आपको एक क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है जो काफी सॉफ्ट है। इसका यूज करके आप इसके लेंस को साफ कर सकते हैं। इसके बाद अंदर आपको सनग्लासेस रखे हुए मिल जाते हैं जो मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किए हैं और ये वेफेयर लुक में आते हैं। इसके बाद बॉक्स में एक यूजर गाइड दे रखी है जिसे पढ़कर आप इसे ऑपरेट करना सीख सकते हैं। फिर लास्ट में हमें इसकी चार्जिंग केबल देखने को मिलती है जो हाफ मीटर लेंथ की आती है और ये एक माइक्रो यूएसबी केबल है। चश्मे की डिजाइन की बात करें तो इनका लुक दिखने में सेम एक नॉर्मल सनग्लासेस की तरह लगता है, बिल्कुल उतने ही लाइट वेट है और पहनने के बाद काफी कंफर्टेबल रहते हैं। चश्मे पर मैट फिनिश टेक्सचर दिया गया है तो जल्दी से इस पर स्क्रैचेस भी विजिबल नहीं होते हैं। बाकी क्वालिटी की बात करें तो दिखने में इनकी क्वालिटी बिल्कुल 7 से 8 हज़ार रुपए वाले ब्रांडेड चश्मे की जैसी है। चश्मे के राइट साइड में यहाँ पर टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसके नीचे की तरफ मल्टीफंक्शन बटन दे रखा है। फिर आपको इसका माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है जिसका यूज करके आप इन्हें चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग के टाइम इसमें रेड कलर की लाइट शो होती है और फुल चार्ज होने के बाद ये लाइट ब्लू हो जाती है। इन्हें फुल चार्ज होने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। यहाँ पर आपको इनका माइक्रोफोन दे रखा है और नीचे की तरफ इसके स्पीकर्स दिए गए हैं। दूसरी तरफ भी आपको एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर दे रखा है। तो ईयरफोन्स की तरह इनमें भी आपको दोनों तरफ माइक्रोफोन और स्पीकर्स दिए गए हैं। ये लिनोवो के लीकू C8 सनग्लासेस है जिनकी यहाँ पर ब्रांडिंग दे रखी है। आगे की तरफ काफी हाई क्वालिटी के पोलराइज्ड लेंस दिए गए हैं जो यूवी प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, जिसके कारण डायरेक्ट सनलाइट से आपकी आंखें सेफ रहती है और जो ग्लेयर और रिफ्लेक्शन होती है वो इनसे हट जाती है। इसके लेंस कई तरह के कलर्स में आते हैं तो आप अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंगली इन्हें चूज कर सकते हैं। मैंने इन्हें ब्लैक लेंस के साथ मंगाए थे। इसके अलावा ये लेंस ब्लू लाइट को भी ब्लॉक करते हैं जिसके कारण आपकी आंखें जल्दी से थकती नहीं है। मैंने कुछ टाइम पहले अमेजोन से रीडिंग के लिए ग्लासेस मंगाए थे तो उसके साथ ही ब्लू लाइट टेस्ट किट आई थी, तो इसका यूज करके हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि सच में ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं या नहीं। अगर इस लाइट को डायरेक्ट इस पेपर पर मारें तो इस पर ब्लू कलर का निशान हो रहा है जो कुछ टाइम बाद गायब हो जाता है। ये मेरे पास 700 रुपए के नॉर्मल सनग्लासेस है जिनमें ब्लू लाइट ब्लॉक नहीं होती है, तो अगर मैं ये लाइट इसके लेंस के थ्रू इस पेपर पर मारूं तो आप देख सकते हैं इस पेपर का कलर चेंज हो गया है। वही अगर मैं सेम इसी तरीके से इन सनग्लासेस के लेंस के थ्रू लाइट पास करूं तो आप देख सकते हैं पेपर का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है जो शो करता है कि ये सच में ब्लू लाइट को ब्लॉक करते हैं। इन सनग्लासेस को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको इस मल्टीफंक्शन बटन को कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना है, इसके बाद ये ऑन हो जाएंगे और अपने आप ये पेयरिंग मोड में चले जाएंगे और आपको इसमें रेड और ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई दिख जाएगी। अगर अब आप अपने फोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे तो ये सनग्लासेस आपको लीकू C8 नाम से शो हो जाएंगे, जिस पर टैप करते ही आपके फोन से पेयर हो जाते हैं। इन सनग्लासेस में आपको ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है जिसके कारण आपको काफी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। इसके बाद आप अपने फोन में कोई भी सॉन्ग चलाएंगे तो वो आपको इनके स्पीकर्स के थ्रू सुनाई देगा। अगर फुल वॉल्यूम पर गाने सुनेंगे तो नॉर्मल ईयरफोन्स के मुकाबले इनसे थोड़ा सा साउंड ज्यादा लीक होता है क्योंकि ये आपके कान के अंदर नहीं घुसते हैं बल्कि ऊपर रहते हैं, जिसके कारण आपके कान बिल्कुल फ्री रहते हैं और म्यूजिक सुनकर ऐसा लगता है जैसे आवाज आपके फोन के स्पीकर्स के थ्रू आ रही है, तो इनके साथ कंफर्ट लेवल काफी अच्छा रहता है। इनके साउंड क्वालिटी की बात करूं तो जो इनका साउंड है वो नॉर्मल ईयरफोन्स के मुकाबले में थोड़ा सा फ्लैट लगता है और जो बेस है वो भी उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि जो इसके स्पीकर्स है वो आपके ईयर ड्रम से काफी दूर रहते हैं, पर इतने छोटे स्पीकर्स के हिसाब से इनकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। बाकी इनके साथ आप कॉलिंग तो नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। अगर आपके फोन में कोई कॉल आती है तो टच एरिया पर एक बार टैप करके आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मल्टीफंक्शन बटन को एक बार दबाकर डायरेक्ट इन सनग्लासेस के थ्रू कॉल को अटेंड कर सकते हैं। कॉल के टाइम मल्टीफंक्शन बटन को प्रेस करके आप करंट कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। टच एरिया पर सिंगल टैप करके आप वॉल्यूम को स्टेप्स में इंक्रीज कर सकते हैं या फिर टच एरिया पर लॉन्ग प्रेस करके आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं। मल्टीफंक्शन बटन को एक बार दबाकर आप सॉन्ग को प्ले और पॉज कर सकते हैं। इन सनग्लासेस के साथ हम म्यूजिक के वॉल्यूम को कम और ज्यादा कर सकते हैं, उसे प्ले और पॉज भी कर सकते हैं, पर इनके साथ हम म्यूजिक को स्किप और फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आप सॉन्ग को इनके साथ चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इनके साथ सॉन्ग को चेंज कर पाते तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। सनग्लासेस के साइड में दिए गए मल्टीफंक्शन बटन को आप 2 बार प्रेस करके फोन का पर्सनल असिस्टेंट एक्टिव कर सकते हैं और डायरेक्ट इसके थ्रू कमांड दे सकते हैं। हाउ टॉल इज बुर्ज खलीफा?
मुझे चश्मे और ईयरफोन्स का कॉम्बो काफी ज्यादा अच्छा लगा जो इन्हें एक यूनिक टेक प्रोडक्ट बनाता है। इन्हें मैंने लिनोवो फैमिली की वेबसाइट से $25 में परचेस किया था जो कि 2100 रुपए के आसपास होते हैं। अगर आप नॉर्मली भी इस क्वालिटी के सनग्लासेस बाहर लेने जाएंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 हजार रुपए के मिलेंगे, पर इसमें आपको सनग्लासेस तो मिलते ही है, साथ ही साथ आपको इसमें ईयरफोन्स का मजा भी मिलता है। मुझे सनग्लासेस प्राइस के हिसाब से बिल्कुल वर्थ इट लगे। अगर आपको पसंद आए तो आप इनको बिल्कुल ले सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक दे दूंगा और अगर मेरे पास कोई डिस्काउंट कूपन होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।